खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं अपराध की रोकथाम के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मॉब लिंचिंग को लेकर अब 49 प्रतिष्ठित हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भेजी है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। श्याम बेनेगल, रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, शुभा मुद्गल, विनायक सेन, कोंकड़ा सेन शर्मा समेत कई हस्तियों ने इन घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया है। हस्तियों ने प्रधानमंत्री से शिकायत भी की है कि जय श्री राम का नारा उकसाने वाला बन गया है। तो चिट्ठी लिखने वालों में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल। फिल्मी जगत की ज्यादातर हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई कि जय श्री राम का नारा अब उकसाने वाला बन गया है, मॉब लिंचिंग को रोकने की जरूरत है। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। चिट्ठी में लिखा है, अफसोस की बात है कि जय श्री राम आज एक भड़काऊ नारा बन गया है। राम का नाम बहुत सारे लोगों को डरा रहा है। ये चिट्ठी लिखी गई है 49 हस्तियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को। श्याम बेनेगल, रामचंद्र गुहा का भी नाम शामिल जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। 10 साल में 254 ऐसी घटनाएं हुई जिनके धर्म से संबंध रहे हैं। 2016 में 840 घटनाएं दलित अत्याचार की हुई। ये जो पूरा आंकड़ा है ये इस चिट्ठी में लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा गया है। अपराधियों से निपटने के लिए क्या किया गया, ये सवाल भी पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अब तक इतनी मॉब लिंचिंग हुई है, इतनी हत्याएं हुई हैं, अपराधियों से निपटने के लिए क्या उपाय सरकार की तरफ से किए गए हैं।